सारण में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। सारण के चंद्रावती पैलेस में युवा क्रांति रोटी बैंक द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जहां 3 जोड़ी लड़के लड़कियों की शादी करवाई गई। इस तरह की शादी का आयोजन सारण में पहली बार हुआ था। इस शादी में शहर के कई मेहमानों ने शिरकत की और वर वधु को आशीर्वाद देकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। आपने अपने परिवार में शादियां होते तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सामूहिक विवाह देखा है? चलिए हम दिखाते हैं। दरअसल सारण में कुछ बेटियों की शादी होनी थी। माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ कर सके। ऐसे में युवा क्रांति रोटी बैंक के द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया और इस आयोजन में शहर के 3 युवक युवतियों की शादी करवाई गई। छपरा में ये बहुत बड़ा पुण्य का काम हो रहा है और पहली बार यहाँ पे शुरुआत हो रही है। एक छोटी सी शुरुआत है, आगे आशा करती हूँ कि आज 5 कपल्स की आज शादी है, आगे जाके 100 हो जाए यही नंबर और बढ़ता ही जाए। हमारा सहयोग सर हमेशा रहेगा। वही इस सामूहिक विवाह में संस्था के द्वारा हर तरह का इंतजाम किया गया। विवाह में पहुँचे तमाम मेहमान इस तरह की पहली शादी देख रहे थे। मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता चंदन कुमार चंचल ने। युवा क्रांति रोटी बैंक के सामूहिक शुभ विवाह आज कराया जा रहा है छपरा में। अभी हम चंदौली पैलेस में हैं और देख सकते हैं साफ तौर पे कि यहाँ पे 3 जोड़े जो विवाहिक जोड़े में बन चुके हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब लोगों से बात करेंगे कि ये सामूहिक विवाह आज छपरा में पहली बार हो रहा है और कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। मैम, ये पहली बार छपरा में सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि हमारा जो समाज है आज भी दहेज और इन सब चीज़ों में बंध कर रह गया है। तो बहुत सी लड़कियां हैं जिनके अरमान जो है वो दब जाते हैं। तो ऐसी लड़कियां जिनके माँ बाप सक्षम नहीं है, लेकिन अरमान तो भाई हर बेटी का होता है ना, हर किसी का होता है, तो उन बेटियों के अरमान को अगर किसी हद तक हम लोग पूरा कर सकते हैं तो क्या हर्ज है। अगर हम सक्षम है, कर सकते हैं, तो क्या हर्ज है। उन बेटियों के चेहरे की जो खुशी है वो देखिए, वो आपको बताएगी कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा। संस्था के प्रति इन लोगों को क्या उपहार स्वरूप क्या दिया जा रहा है? देखिए, उपहार स्वरूप जैसे सूटकेस है, कपड़े हैं, बर्तन है, बहुत सारी चीज़ें, जो शादी का लहंगा वगैरह, ये सब हमारी संस्था ने ही इन्हें प्रोवाइड किया है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि युवा क्रांति रोटी द्वारा इस सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, जिसमें बराती के तौर पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं इस अनोखी शादी को देखने के लिए चंदौली पैलेस में उपस्थित हैं। देखना यह होगा कि छपरा में ये पहली बार इस तरह का शादी समारोह हो रहा है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग जोड़ों में जो दुल्हन है और दूल्हे हैं वो दिख रहे हैं और ये छपरा में ये पहली बार कराया जा रहा है। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि ये छपरा में पहली बार इस तरह के सामूहिक शादी किया जा रहा है। मैम, क्या संदेश दिया जाएगा इस तरह की शादी समारोह? जी, मैं कहना चाहूँगी जो आज रोटी बैंक ये कदम जो उठाया है, मैं चाहूँगी कि हर एक जगह, हर एक सिटी में, हर एक गांव में लोग आगे बढ़ें और इस तरह की मान्यताओं को, इस तरह के प्रचलन को आगे बढ़ाएं, जिससे कि जो एक मजबूर पिता होता है ना, जिनको बेटी होते ही ये टेंशन हो जाती है, मोहल्ले वाले तक को टेंशन कि आपकी 5 बेटियां हैं, कैसे होगा कैसे होगा, तो ये टेंशन वो बिल्कुल फ्री हो जाए उनके दिमाग से कि हमारी सोसाइटी अब इतनी सहयोगी हो चुकी है कि बेटियों को बस पढ़ाने पे माता पिता ध्यान दें, उनकी शादी की फिक्र ही छोड़ दें वो लोग। और इस तरह से, क्योंकि उनकी शादी की जिम्मेदारी अगर हर एक आदमी लेने लगेगा तो उनके लिए बेटियां कभी बोझ ही नहीं लगेंगी। आज क्या क्या व्यवस्था की गई है मैम इस तरह की अनोखी शादी में? जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, बहुत ही गणमान्य लोग आए हैं, पूरे छपरा के सारे एजुकेटेड लोग, जो बहुत बिजी शेड्यूल वाले लोग हैं, हम सभी यहाँ पे आए हैं सिर्फ इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, इस चीज़ को प्रोत्साहन के लिए। और इसमें आप देख रहे हो कि एक जैसे एक नॉर्मल फैमिली की लड़कियों की शादी होती है, मिडिल क्लास, हाई क्लास की, हमने कोशिश ये की है, या विजय भैया ने कोशिश ये की है कि इन बच्चियों को भी वो चीज़ महसूस हो जो हमारे यहाँ नॉर्मली लड़कियाँ जो देखती हैं, क्योंकि शादी एक ख्वाब होता है, शादी एक लड़की का सबसे बड़ा सपना होता है। तो आज ये लड़कियाँ ये चीज़ महसूस कर रही हैं कि यहाँ पे मेरी शादी भी ना एक ख्वाब की तरह हो,
और ये सारे प्रबंध यहाँ किए गए हैं कि विजय भैया ने सारे प्रबंध किए हैं, जैसे उनकी छोटी बहन की शादी हो उस तरह से, जैसे एक भाई करता है। तो ये जमाल हो रहा है, पूरे रीति रिवाज से उनकी शादी होगी, सिंदूरदान होगा, उनको ज़रूरत की चीज़ें दी जाएंगी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए लाइफ में एक सपोर्ट मिलेगा कि शादी के बाद वो अपने रिश्ते को एक सही सिरे से शुरू करें और ज़िंदगी में आगे बढ़े। बिल्कुल, आप साफ तौर पर देख सकते हैं और ये संस्था के संस्थापक हैं, हम विजय जी उनसे बात करेंगे। सर, क्या व्यवस्था की गई है आज को लेकर? आप देख सकते हैं, आप जैसे हमारे घर में हमारी बहन की शादी हुई थी कुछ दिन पहले, सेम वैसे ही खाने पीने का वेल मेंटेन और जो विधि व्यवस्था होता है उस सभी चीज़ों को लेके, और जो हम लोग अपना खुशी से जो देना चाहते थे वो हम लोगों ने पूरे छपरा के जिस दिन के सहयोग से दिया कैमरा बने, तो ये चीज़ है और बहुत खुशी है कि हमारे छपरा के लोग जिस तरह से सहयोग किया, सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल, साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो आज की शादी हो रही है काफ़ी अनोखी है और इसके चर्चे पूरे बिहार में हो रहा है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं चंदन कुमार चंचल, TNP न्यूज़ छपरा।